प्रिय मित्रों, अभी हम परमेश्वर पिता के बारे में दूसरे भाग का विवरण दे रहे हैं और आशा है कि आपने पहला भाग जरूर सुना होगा, गॉड द फादर, परमेश्वर पिता, उसका पहला भाग। और अब ये मैं दूसरा भाग आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। हमने पिछले भाग में देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर कौन है, क्या करता है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसके कई गुणों को हमने देखा। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, उसमें पवित्रता पाई जाती है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लेव्य व्यवस्था और उसका 11वां अध्याय, लेव्य व्यवस्था उसका 11वां अध्याय और उसका 45 पद, इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं आपके सामने फिर से ये बात दोहराना मांगता हूँ कि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ने इसलिए आपको और मुझको बनाया कि हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ें। हमारा जीवन, हमारा विचार, हमारी मानसिकता, हमारे सोच विचार पवित्र हों, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। उसमें कोई दाग नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई कमियां नहीं है। वो सर्वत्र बिल्कुल परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं, सिद्ध है। और इसीलिए वो कहता है अपने लोगों से कि पवित्र बनो, आप पवित्र चीज़ें अपने पास न रखें, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र परमेश्वर हूँ। एक और वर्स मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता और उसका 22वां अध्याय और 23 पद, भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और उसका तीसरा पद। परंतु हे तू जो इसराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। यहाँ पर हम देखते हैं जो लिखने वाला है भजन संहिता का, वो परमेश्वर को ऐसे एड्रेस कर रहा है, ऐसे बोल रहा है कि तू तो पवित्र है। जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पवित्र, तो हम ये बताते हैं कि उसमें कोई पाप नहीं पाया जाता है। अगर वो परमेश्वर है, सच में वो परमेश्वर है, तो वो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से वो पवित्रता की ही बात करेगा। और इसीलिए वो चाहता है कि आप और मैं भी वैसे ही बने जैसा कि वो पवित्र है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मनुष्य को परमेश्वर ने पवित्र बनाया। जब उसने आदम और हवा को बनाया, तो उसने पापी तो नहीं बनाया, उसने पवित्र अपना स्वरूप दे करके पवित्रता से उसको ढांप दिया। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना और रिबेलियन और बलवा करके उसने परमेश्वर के वचन के विरोध गया और शैतान की बातों को सुना। इस कारण से वो अपवित्र हो गया, वो पापी बन गया, और उसके साथ साथ आज आप और मैं पापी स्वभाव के हो गए हैं। और इसीलिए उस पापी स्वभाव को दूर करने के लिए परमेश्वर ने कहा, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो ये एक और गुण हम परमेश्वर के नेचर में, उसके स्वभाव में देखते हैं, जो हमारा जीवित परमेश्वर है। हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। जी हाँ, ये बहुत गहन बात है, बहुत गहरी बात है कि हम इसको जाने, परमेश्वर प्रेम है। कई लोगों को आपने देखा होगा, लव इज़ गॉड, प्रेम ही परमेश्वर। नहीं, ये उल्टा लिखते हैं लोग। आपने देखा हो विक्रम के पीछे, बसों के पीछे, लव इज़ गॉड, लव इज़ गॉड। नहीं, गॉड इज़ लव, परमेश्वर प्रेम है। वो शुरुआत जो प्रेम से शुरू होती है, वो परमेश्वर के द्वारा शुरू होती है। और ये वो वाला प्यार है जिसे हम कहते हैं अगापे लव, बलिदान वाला प्यार। वो अपने लोगों से ऐसे प्यार करता है
कि वो अपने लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार था और उसने ऐसा किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना और उसका 4:16 कि कैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने हमसे प्रेम किया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर, वो प्रेम है। प्रभु वो भी प्रेम है, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए, जी हाँ, आपके लिए बलिदान के रूप में दे दिया। उसी बात को हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4:10-11। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 9वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। मैं फिर से ये पद पढ़ूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 10वां पद, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दी, इस बात को दर्शाने के लिए कि परमेश्वर प्रेम है, यहाँ तक कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखिया है तो हमको भी आपस में वैसा ही प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। तो प्रियो, मेरे मित्रोंगण, हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि वो पवित्र है, अदृश्य है, वो आत्मा है और सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वसामर्थी है, और जो गुण हमने देखे, तो प्रश्न ये उठता है कि हम उसको कैसे जानें कि वो है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे है, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है? तो बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। 3 चीज़ें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। पहला, परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा। दूसरी बात हमने देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकट किया। जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसको बनाने वाला, उसको सृष्टि करने वाला परमेश्वर। और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। तो आइए हम एक एक चीज़ों को लेकर के देखेंगे, एक एक बातों को लेकर के देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया है। अगर हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री, बाइबल में एक पत्री पाई जाती है इब्रानियों, और उसका पहला अध्याय और पहला पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा।
पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके हम पर प्रकट किया है ना, ये हम देखते। जी हाँ, क्या किया परमेश्वर ने पुराने नियम में भी और नए नियम में भी? परमेश्वर हमसे बातें कब करता है? जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं जो बाइबल है। एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और वो है दूसरा तिमोथी उसका 3:16। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं 15 से पढ़ना मांगता हूँ। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। सो मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, जो उसने कहा, जो प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा में उभारे जाने के द्वारा उसने अपनी बातें हम तक पहुंचाई, हम तक सुनाई, और इस प्रकार से उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। ये तो हुआ बाइबल के द्वारा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया अपने आप को, वो है सृष्टि के द्वारा। सृष्टि जब हम चारों तरफ देखते हैं तो एक नेचुरली क्वेश्चन आता, भाई साहब ये आया कहाँ से, किसने बनाया इतना सुंदर फूल पत्ते पौधे जानवर तारागण और मिल्की वे सूरज पृथ्वी और जो भी हम देखते हैं चारों तरफ, इसका बनाने वाला सृष्टिकर्ता कौन है? और नेचुरली जो स्वाभाविक उत्तर आता है, भाई साहब परमेश्वर ने ही बनाया होगा। हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 19वां अध्याय, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय 1 पद से यहाँ पर ये प्रकट होता है कि सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। आकाश ईश्वर की क्या कर रहा है, महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं जो सृष्टि परमेश्वर ने की, उसके द्वारा हम ये प्रकट होता है कि ये सबको बनाने वाला परमेश्वर है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 1 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 19 पद से लेकर के हम देखते हैं कि जो अंधे की चीज़ें, जो परमेश्वर ने अंधे की चीज़ें और देखी हुई चीज़ जो बनाई, वो हमारे लिए बनाए। 19 पद से, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? सृष्टि के द्वारा, सृष्टि की रचना के द्वारा, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। निरुत्तर है साहब, कभी कभी क्या होता है, हम जब चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो नेचुरली एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि भाई ये आया कहाँ से, इसका कोई ना कोई तो ओरिजिनेटर होगा, कोई तो कोई इसको बनाने वाला होगा। तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से एक उत्तर आता है कि परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को 3 रीति से प्रकट किया। पहला हमने देखा बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा। दूसरा हमने देखा सृष्टि के द्वारा, कि
ये प्रकट करता है कि मैंने ही तुमको बनाया, ये है मेरी सुंदरता, सुंदर पेड़ पौधे, यही है मेरा प्रेम तुम लोगों के लिए। तीसरी बात, परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। अब वापस हम चलते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कैसे प्रकट किया। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और दूसरा पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंत के दिनों में किससे बातें की? पुत्र के द्वारा। और पुत्र का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र थे और वो इस दुनिया में आए। तो इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही दोस्तों? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, एक और पद को हम देखेंगे, कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और नौवां पद। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि उसमें, उसमें का मतलब है यीशु मसीह में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे तो वो पिता के बारे में बहुत बातें करता था, है ना, कि पिता परमेश्वर मेरा पिता है और मैं पिता की तरफ से आया हूँ। ये सब बातें जब हो रही थी तो चेलों ने बोला, प्रभु तू पिता के बारे में बताता है तो हमें पिता को दिखा देना, हम विश्वास कर लेंगे। तब परमेश्वर पुत्र कहता है, अरे साहब, मैं तुम्हारे साथ इतने दिन रहा और तुमने मुझे नहीं देखा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:9। यूहन्ना 14:9 वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब फिलिप्पुस उनका एक चेला कहता है, प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो 9वें पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने आप को पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। जी हाँ, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तब वो हम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि पिता और पुत्र क्या हैं? एक हैं, एक हैं। जी हाँ, हमारा परमेश्वर एक है, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और विशेष करके मैं पिता परमेश्वर के बारे में आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को तो रिवील किया इन चीज़ों के द्वारा, ठीक है, लेकिन वो मिरेकल भी करता है। उसने कई मिरेकल किए हैं, कई आश्चर्य कर्म किए हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला राजा, ये बाइबल में से ही लिया गया है, पहला राजा और उसका 18:24 देखते हैं वहाँ पर क्या प्रार्थना, क्या बात आती है। 18:24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और क्या हुआ आपको पता है? सब लोगों ने प्रार्थना की अपने अपने देवता से, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर पिता ने ऊपर से आग भेजा और वेदी पर आ गई और वहाँ पर बलिदान हुआ।
परमेश्वर ने कई आश्चर्य कर्म किए हैं, मुर्दों को जिलाया, ये पिता परमेश्वर की महानता है, मिरेकल करने वाला। ऑर्डिनरी आदमी इसको नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है इन बातों को। हालांकि कई लोग दावा करते हैं, भाई मैं मिरेकल करने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब तो फालतू की बातें हैं। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, जो पुराने नियम में देखते हैं किस प्रकार से उसने मनुष्यों को बनाया। ये मिरेकल है, ये आश्चर्य कर्म है, चीज़ों को बनाया है, ये आश्चर्य कर्म है ना, लाल समुद्र में से लोगों को निकाला, ये आश्चर्य कर्म है। जी हाँ, हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने आप को हम तक प्रकट करता है। तो मेरे मित्रों, उसने अगर आप पुराने नियम को पढ़ें, कई मिरेकल्स हैं, कई आश्चर्य कर्म हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया, और यही बात हम देखते हैं। एक और चीज़ हम देखते हैं परमेश्वर पिता के बारे में, कि वो ट्रिनिटी का या थ्री एक का एक भाग है, ऑल थ्री इन वन। हालांकि जो ट्रिनिटी है या थ्री एक जो बात है वो बाइबल में तो नहीं आती है, लेकिन जब हम पूरे बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हर बात बिल्कुल एक तरह से साफ आती है कि वो परमेश्वर, त्रि एक परमेश्वर का पिता परमेश्वर है। मैं आपके लिए कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा जिसमें हम पिता का जिक्र देखते हैं। जैसे कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका तीसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय 13वें पद से हम आगे पढ़ेंगे, है ना, और 17वां पद वहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, 16 पद से मैं पढ़ूंगा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये किसने कहा? ये परमेश्वर पिता ने कहा। यहाँ पर ट्रिनिटी या त्री एक परमेश्वर की बात बिल्कुल देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर, पवित्र आत्मा है वहाँ पर जिसके बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, और पिता परमेश्वर की ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता बपतिस्मा, यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय भी वहाँ पर था। एक और चीज़ हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी जो बात कही जिसे हम कहते हैं ग्रेट कमीशन, मत्ती रचित सुसमाचार 28, मत्ती उसका 28 अध्याय और 19 पद में क्या लिखा हुआ है, जब उन्होंने एक आज्ञा दी अपने चेलों को, बोला भाई अब तो मैं जाने वाला हूँ स्वर्ग में, अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाओ और सब जगह सुसमाचार सुनाओ। सुनिए 19वां पद क्या लिखा है वहाँ पर, ग्रेट कमीशन, एक बड़ी आज्ञा, इसलिए 18 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। तो हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रि एक परमेश्वर, फिर वही बात आती है, पिता यहाँ पर आ गया है ना, जो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो हम देखते हैं पिता परमेश्वर का बड़ा रोल है त्रि एक परमेश्वर में, एक मेन रोल दिया जाता है। एक और मैं पद आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका तेरह चौदह। आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आखिरी ब्लेसिंग दी जाती है तो क्या लिखा हुआ है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, तीनों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ होती रहे। देखिए पिता परमेश्वर यहाँ पर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा, तो त्रि एक में पिता परमेश्वर का बड़ा भारी योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जो काम करता है अपने पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, ये एक यूनाइटेड एफर्ट है। एक और से हम चीज़ देखते हैं कि पिता परमेश्वर जो है वो आपको और मुझको क्या करता है, पवित्र करता है, सैंक्टिफाई करता है। यीशु मसीह की एक प्रार्थना थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, यूहन्ना उसका 17 पद में लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। और किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने चेलों के लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भाई मैं थोड़े दिन में तेरे पास आने वाला हूँ पिता परमेश्वर, तो उनकी रखवाली करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर लोगों को पवित्र करता है, उनके मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है। तो हम ये बातें देखते हैं, परमेश्वर हमारा पिता है और जब हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तब और भी कई बातें परमेश्वर पिता के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर आप जब टाइम हो तो आप ज़रूर देखें रोमियो 14:17-18 और उसके बाद रोमियो उसका 15वां अध्याय 16-30 और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 12:4-6, दूसरा कुरिन्थियों 1:21-22, ये कुछ पदों को आप देख सकते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से अध्ययन भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर का बड़ा योगदान है पूरे परमेश्वरत्व या त्रि एक परमेश्वर की जो बात करते हैं, वो महान महान परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हो सकता है यदि आप यीशु मसीह के द्वारा उस पर विश्वास करें और उसमें आगे बढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे पापों को माफ़ करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 6:16, वो हमारे पापों को भी माफ़ करता है। मत्ती उसका 6वां अध्याय 14 पद में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करता है। प्रभु परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर पिता हमारे साथ बहुत मर्सीफुल है, हम पर दया करता है, हमें डिसिप्लिन भी करता है ना, हमारी कभी कभी ताड़ना भी देता है। तो हम देखते हैं कि हमारा संबंध प्रभु परमेश्वर पिता के साथ है और वो है होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें, कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से करें। हम उसको महिमा दें, हम उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, ये आपका और मेरा कर्तव्य हो जाता है जब हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, हमने आज देखा इसका दूसरा भाग परमेश्वर पिता के बारे में। आशा है कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, आप खुद भी बाइबल लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप उस सच्चे परमेश्वर को और व्यक्तिगत रूप से जान सकें।